हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं फिर से और एक ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग भी मैं सुबह से स्टार्ट कर दिया है, मतलब कि नहा धोने के बाद, सुबह ही है अभी भी, तो मैं स्टार्ट कर दिया है मेरा ब्लॉग। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे ही सुबह हम लोग लेते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड जी लेते हैं मेथी का पानी, और आज छुट्टी है मेरी बेटी का और आज है संडे तो छुट्टी है, इसीलिए उसको मैगी खाना था सुबह सुबह। तो मैंने बोला थोड़ी देर बाद में बना देती हूँ, तो बोल रही थी कि नहीं हमें अभी खाना है, तो इसीलिए मैगी बना लिया उसके लिए। और यहाँ पर हम लोगों के लिए चाय बन रहा है, तो चाय का जो बर्तन है थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसमें ना 2 दिन का दूध था, 2 दिन से हम इसी में दूध ले रहे थे, और वो जो अंकिल जी थे ना जो दूध देते थे वो वाला दूध, तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था और बहुत अच्छा था दूध, पर अच्छे के पीछे कुछ बुरा भी रहता है। तो ये हमें मतलब अभी ज़्यादा, ऐसे तो पता था पर अभी ज़्यादा पता लग गया है, क्योंकि ना वो अंकिल जी दूध में कुछ मिलावट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सब लेते हैं ना, तो उन सबको पता लग गया था, हमें तो ज़्यादा पता नहीं चला था। और वैसे भी जिस दिन से हस्बैंड जी खा रहे ना, मतलब पी रहे वो वाला दूध, तो ना उनका पेट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं था। और मतलब यहाँ पर जो किसी ने लिया है उन सब का पेट ख़राब चल रहा है, तो इसीलिए उन लोगों ने उन अंकिल जी को बोला है कि हम लोगों का तबीयत ख़राब है और डॉक्टर ने दूध खाने के लिए मना किया है, तो इसीलिए उन्होंने उनको सबको ही छोड़ दिया है पैसा देने के बाद। तो मैं भी छोड़ने वाली थी सैटरडे के दिन, पर हम तो सैटरडे के दिन नहीं थे, डॉक्टर के पास गए थे, इसीलिए उनको दे नहीं पाई। और अंकिल जी आकर घूम गए थे मतलब। तो आज संडे है, तो आज मैं उनको बता दूंगी कि हम लोग दूध नहीं लेंगे, पैसा भी दे दूंगी उनको, और जितना दिन हुआ है उस दिन का हम लोग पैसा दे देंगे, देने के बाद फिर छोड़ देंगे अंकिल जी को। तो वही वाला दूध था उस बर्तन में, तो इसीलिए कुछ ऐसा हो गया था रेड कलर, तो मैंने सोचा कि उसमें चाय बना लेती हूँ, फिर साफ हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं सब्जी मार्केट सब्जी लाने के लिए, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, देखो मेरे बेटी को इसको ना आँखों में रेड कलर आ गया है, तो अभी एक निकला है ना वायरस, वो वाला शायद है, तो हमें पता नहीं है वो है या फिर कुछ और। वैसे बुखार उखार कुछ नहीं है, बुखार तो पहले उसका हो गया था, और आज सुबह जब उठी ना तब से उसका आँखें जो है एकदम रेड कलर हो चुकी है, और थोड़ा सा फूल भी गया है, उसे थोड़ा सा इचिंग भी हो रहा था, दर्द भी था हल्का हल्का सा। तो मैंने बोला कि हाथ वाथ मत लगा, नमक और गर्म पानी से मैं सेक देती हूँ उसको, तो वही कर रही थी मैं, उसको सेक रही थी। और अभी बच्चों का एक वायरस निकला है ना, उसका नाम है, क्या नाम था, हाँ, कंजंक्टिवाइटिस, तो वो वाला वायरस हो सकता है, पर नहीं भी हो सकता है। अच्छा हो कि ये सब ना हो, ठीक हो जाए मेरी बेटी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है मंडे के दिन से। और उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर ना महीने का राशन का जो सामान लाना है हमें, तो उसी का लिस्ट बना रही थी मैं। तो हस्बैंड जी सब्जी मार्केट से जैसे आएंगे उससे वैसे वो ले जाएंगे, उनको लेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं फटाफट से लिख रही थी वहाँ पर। मेरे बेटी को वो आँखों को सेकना हो गया था, उसके बाद फिर हस्बैंड जी आ गए थे, तो यहाँ पर देखो हम लोग का सब्जी मार्केट से तो सब्जी लेकर आ गए हैं, तो छोटा वाला बैग में क्या है हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर देखो सब कुछ है, मतलब कि जो चाहिए सामान, और वो है छोटा वाला बैग में था मछली, तो बहुत सारे मछली लेकर आए थे हस्बैंड जी, और उसके साथ मछली का सर भी था, मतलब माथा, तो हम वही अभी साफ़ कर रहे थे, और साफ़ करते करते ना और एक अंकल आ गए थे, तो ये देखो वो मतलब पुराना वाला कपड़ा लेकर बर्तन देते हैं। तो मैं मेरे मम्मी के यहाँ से बहुत सारे पुराने कपड़े लेकर आई थी, मतलब कि वो तो
मतलब फेंक ही देंगी, तो फेंक दे रही थी मेरे मम्मी ने मम्मी, तो मैं उनको बोली कि मत फेंकना, इससे अच्छे अच्छे बर्तन कपड़े कपड़े से अच्छा चीज़ मिलता है हमारे यहाँ। तो मम्मी ने बोला ठीक है तो ले जाओ, तो मेरे लिए एक ये बाल्टी लेकर रखना। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये वाले बाल्टी हमने ले लिया है मम्मी के लिए। तो बर्तन भी देख रही थी मैं, पर वैसे बर्तन मैं लूँगी नहीं क्योंकि बहुत सारा बर्तन मेरा हो गया है और ज़्यादा बर्तन की काम नहीं है मेरे पास। तो फिर भी मैं देख रही थी, वो है ना लड़की की, जो लड़की लोगों की जो सामान है तो फिर एक बार तो देखना पड़ता ही है कि क्या क्या लाए हैं, कहीं हमसे छूट ना जाए ये चीज़। तो इसीलिए हम चेक कर रहे थे कि क्या क्या सामान है अंकल जी के पास। तो वो तो पहले खोल नहीं रहे थे, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा दिखाओ क्या क्या लाए हो आप। तो वही अभी बर्तन निकाल रहे हैं, तो ये मतलब उनके पिटोरे में से खजाना निकल रहा है। तो एक एक करके अच्छे अच्छे बर्तन जो मैं अभी हाथ में ली हूँ ना, ये वाला जो है हमें बहुत अच्छा लगा, पर हम ले नहीं पाए क्योंकि हमारे पास उतना कपड़ा नहीं है, पुराने कपड़े। तो अंकित जी को बोला कि मैं बाद में ले लूँगी, आप आना फिर से, मैं मेरे मम्मी के पास से और भी कपड़ा ले आऊँगी। तो बोल रहे थे ठीक है। और यहाँ पर मैं मछली मेरा आधा ही धोना हुआ था तभी आ गए थे अंकिल जी, और वो लेने के बाद मैं फिर से आ गई मेरे किचन में और मछली मेरा धोना हो गया है। तो जो माथा है वो अलग से मैंने रख लिया है, उसको मैं आज नहीं बनाऊँगी, दूसरे दिन बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने कद्दू का फ्राई कर रही थी, मीठा वाला जो कद्दू होता है उसको, और उसके बाद मैं बनाऊंगी मछली। और हस्बैंड जी अभी घर पर नहीं है, वो गए हैं बाहर क्योंकि उनका बाइक थोड़ा सा सर्विसिंग करवाना था, मतलब कि साफ़ वाफ करवाना था, तो इसी के लिए वो दिए हैं, गए हैं वहाँ पर जहाँ पर बाइक सर्विसिंग करते हैं, तो वहाँ पर गए हैं, घर पर नहीं है। और मेरी बेटी अंदर बदमाशी कर रही है और मैं बना रही हूँ खाना, और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं भी आज आराम से धीरे सुस्ते बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने थोड़ा सा खाना खा लिया था और हस्बैंड जी खाए नहीं थे पर आए नहीं थे तो उनका लेट होगा, तो मैंने सोचा चलो बनता है तो बनने दो। और काम करते करते, मतलब इधर काम कर रही थी, करते करते उधर भी काम करना पड़ रहा था, मतलब कि जैसे वो कपड़ा वाला अंकल जी आ गए थे, उसके बाद मेरा महीने का राशन का तो लेकर गए थे हस्बैंड जी, पर वो देकर वहाँ पर अपना बाइक सर्विसिंग के लिए चले गए थे। तो फिर जो हमारा महीने का राशन है वो एक रिक्शे वाले भैया अंकल जी से भिजवा दिए हैं, तो वही अंकल जी हमें देने के लिए आ गए थे। तो मतलब उनका भी पैसा देना था, सामान भी लेना था, दौड़ कर इधर जा रही हूँ, दौड़ कर उधर जा रही थी। तो संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम था, वैसे बाहर कहीं का भी मेरा थोड़ा बहुत काम था, तो इधर उधर दौड़ा भागा करते करते मेरा खाना बनाने भी लेट हो गया था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मछली, और उसके बाद मेरा किचन का फ्लोर भी थोड़ा सा किचन में छोटा है ना किचन, तो इसमें तेल गिरकर एकदम तेल तेल हो जाता है, तो इसीलिए मैं इससे ना साबुन से साफ़ कर रही थी। यहाँ पर घिस घिस कर कॉच ब्राइट होता है ना, कॉच ब्राइट से साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है ये बताना, और कल की ब्लॉग में बहुत ही छोटा सा डाली हूँ, और कल क्या हुआ था, ब्लॉग को मैंने अपलोड में लगा कर बैठी थी कि चलो अपलोड हो जाएगा फिर इसको मैं पब्लिश करके सो जाऊंगी, तो अपलोड करते करते लेट हो गया था, 11 बज गया था। तो उसके बाद ना मैं सोफे पे बैठी हुई थी और लाइट भी ऑफ था, और हस्बैंड जी बेटी भी सो रही थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था, तो उसको मैं जगा कर क्यों रखूँ, सोने देती हूँ, तो वो सो रही थी। और वैसे भी हम लोग आए थे कोचबिहार से, बहुत थका हुआ सा लग रहा था मुझे भी और सबको भी, तो वो लोग तो सो गए थे, मैं सोफे पर बैठी थी और लाइट ऑफ है, तो कितना देर तक मैं बैठ पाऊँगी। और मोबाइल भी नहीं देख रही थी क्योंकि मोबाइल में तो वीडियो अपलोड हो रहा था, तो ऐसे खाली बैठे रहने से तो नींद ही आ जाएगा ना, तो मैं ना बैठते बैठते सो गई थी। और मुझे जब मतलब कि मेरा नींद जब खुला तो बज रहा था 2:30,
और मैंने देखा कि मेरा वीडियो तो अपलोड हो चुका है, पर इतना रात हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो सुबह ही अपलोड कर दूँगी इसको, रात में मैं क्या अपलोड करूँ, तो इसीलिए मैं उसको सुबह उठकर मेरे बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने 7 बजे उसको अपलोड किया। पर बहुत ही छोटा सा था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे इतना छोटा सा ब्लॉग और इतना लेट कर कर आया, तो ऐसा था। और मेरा ये जो वाइपर है ना, इसका डंठी थोड़ा सा टूट गया है, तो इसीलिए मैं ऐसे काम कर रही हूँ इससे। और उसके बाद ये देखो, ये जो भैया मतलब अंकल जी हैं, अंकल लगेंगे तो उम्र से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये अंकल जी महीने का राशन लेकर आए थे, तो उनको मैं अभी पैसा दूंगी। और यहाँ से मतलब कि खिड़की से मेरे बेटी वीडियो बना रही थी, पर अच्छा नहीं बना पाई है वो। देखो ना कैसे जो ग्रिल का जो लोहे होता है, वो लोहे आ गया है यहाँ पर, तो अच्छा नहीं आया है वीडियो मेरा। और उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो हम लोग खाना भी निकाल लिया था, भूख बहुत ज़्यादा लग गया था, और बैठते रहते रहते ना उनके लिए इंतज़ार करते करते भूख ज़्यादा लग गया था। फिर हम लोगों की खाना लग गया है, तो ये देखो मैंने बनाया है आज कच्चा केला की सब्जी, मछली की फ्राई, साथ में है सैलड और मछली की सब्जी, और साथ में है ये कद्दू का फ्राई, और हरी मिर्च भी है और नींबू भी है, तो हरी मिर्च भी मैंने खाया है थोड़ा सा। तो ये रही हमारी थाली, मेरे बेटी का और हमारी हस्बैंड जी का। और फ्रेंड मेरा ब्लॉग में ज़्यादा और बना नहीं पाई थी, और उसके बाद ना हस्बैंड जी ये लाए थे हमारे लिए, हम सब मतलब हम सब के लिए, और ये लाए हैं बटर स्कॉच पेस्ट्री है, और ये है बॉनफायर, ये देखो छोटा वाला जो हाथ से उठ भी नहीं रहा है, और उस साइड में भी और एक है पडिंग है, तो ये देखो। और टेस्टी भी था खाने में बहुत ज़्यादा, पर पडिंग जो है उतना टेस्टी नहीं था, तो मैं ना हाथ से निकाल के थोड़ा सा टेस्ट भी किया था, तो मेरी बेटी बोल रही थी ये वाले आप खा लोगे, मैं नहीं खाऊंगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो ये है पडिंग, तो इसका जो टेस्ट है ना मैंगो जैसा है, मैंगो फ्लेवर, तो हमें अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा जेली टाइप का है। तो ये देखो मेरी बेटी बोल रही थी हाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, पर मैं इसको अगर खाऊं तो दोबारा नहीं और ऑर्डर करूंगी, मतलब लाऊंगी नहीं, तो इसको रखते टाइम मैंने गिरा दिया। तो चलो फिर मेरा ब्लॉग इतना सा ही है, टाटा।